हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बच्चों सभी बता दो मुझे चैट सेक्शन में, आप सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? सभी बच्चे हाँ सभी बता देंगे। ओके, मतलब सबको आ रही है। ओके सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को बताए, हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। इसमें हम वो वाले टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको मैथ्स को समझने में और अच्छी कैलकुलेशन करने में हेल्प करे, है ना। सो इसमें ऑलरेडी हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि परिमेय संख्या होती क्या है। आज हम देखेंगे कि कैसे दो परिमेय संख्या को, हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी देखा था, जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इस पे बात करेंगे। ओके बच्चे, अगर मैं आगे बात करूं हमारे रूल्स की, तो हमारी क्लास के बच्चे सभी बहुत इंटेलिजेंट है, सारे ही बच्चे रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना। सबको पता है कैमरा ऑन नहीं करना है, आप नहीं करते हो, माइक ऑन नहीं करना है, आप नहीं करते हो, जो बहुत अच्छी बात है। जब भी बेटा मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, तो बेटा सभी बच्चे यस और नो में आंसर करेंगे कोई भी चीज जो मैं पूछ रही हूँ। और जब भी मैं कहती हूँ आपका जो डाउट है ना, वो अपना डाउट लिख दीजिए, तो बेटा सभी बच्चे लिखेंगे। अगर आपका डाउट है तो तीन डॉट पे जाओ, इनकॉल मैसेजेस में जाओ और डाउट जरूर लिखो। बेटा डाउट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब भी बेटा मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है, तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। और अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर हम कोई दूसरे तरीके से समझेंगे और कोई आसान तरीका ढूंढेंगे। तो बेटा हर एक बच्चा पोल में आंसर करेगा। कैसे? तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाना है, और एबीसीडी में से आपको जो भी ठीक लगता है वो दबाइए, वोट कीजिए। बेटा आपका हर एक बच्चे का पोल में आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक बच्चा आंसर करेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को, गुड इवनिंग जितने बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, गुड इवनिंग बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे हम दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जहां पर Q आपका जीरो नहीं होगा और P और Q बेटा क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। इस चीज को नहीं भूलना है, पूर्णांक, क्योंकि इसी से आपको पता लगता है कि यहाँ पर मेरे पास 2/3 लिखू, मैं 5/2 लिखू या -5/2 लिखू, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, यस और नो? कि परिमेय संख्या, हर एक बच्चे को डेफिनेशन से याद होना चाहिए कि बेटा परिमेय संख्याएं होती क्या है, है ना। हमने इन डिटेल में देखा था परिमेय संख्याएं क्या होती है, है ना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास दो संख्याएं हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 5/7 प्लस 3/2, ठीक है, मुझे इन्हें ऐड करना है। तो बेटा जैसे हमने देखा था ना, भिन्न की भिन्न से जोड़ करना, सेम वही है, बट यहाँ पर फर्क कब आता है, जब यहाँ पर एक संख्या आपके पास माइनस, एक संख्या आपके पास माइनस वाली भी हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरे पास -5/7 है, प्लस करना है 3/2, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं आती, यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक जब हमने पढ़े थे वहां पर हमने चिन्ह सीखे थे, वो चिन्हों का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं, फिर हम आपसे जानेंगे कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है बच्चे। देखो हमने क्या देखा था कि आप क्या करते हो, जब एक भिन्न की दूसरे भिन्न से जोड़ करते हो, आप एलसीएम लेते हो। 7 और 2 का एलसीएम बता दो जरा क्या होगा, जल्दी से बता दो 7 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, चैट सेक्शन में लिख दो सभी बच्चे, जल्दी से बता दो क्या आएगा। बिल्कुल सही, यस बेटा, सिंपल है, मैंने आपको बताया है। देखो 2 से चला जाएगा सबसे छोटे नंबर से, देखते 7 का 7 ही आएगा, क्योंकि 7 2 के पहाड़े में आता नहीं है, 2 × 1 = 2, फिर 7 से जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 की गुना 2 से करी हमें कितना मिल गया, 14 मिल गया, राइट। तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया। अब 7 के पहाड़े में 14 कब आता है, 2 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा, 5 है,
तो पांच मैंने यहाँ लिख दिया सेम सात, दो के पहाड़े में सात, 14 कब आता है आपका सात पे, गुना में ऊपर क्या है तीन, तो मैंने यहाँ तीन लिख दिया। कितना आंसर आया 10, 21 बटे 14, कितना हो गया ये 31 बटे 14, ठीक है। कितना आंसर आया 31 बटे 14, ठीक है। क्या ये आगे कट सकता है, कटने का मतलब क्या होता है, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते कि अगर वो किसी पहाड़े से ऊपर वाला भी नीचे वाले भाग हो रहा है तो हम भाग कर देते हैं, बट ये नंबर हो नहीं रहा है ना, देख लो चाहे दो से भी नहीं होगा, तीन से भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया कि जब हमने इन दो परिमेय संख्याओं को या भिन्न संख्याओं को जिसको मैं बोल रही हूँ गुना की भाग जोड़ा तो मुझे कितना मिला, ये आंसर मिला। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, क्या मेरी बात समझ आई है, ये तो सिंपल हो गया, जैसे हम एक भिन्न को भिन्न से जोड़ते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई है, ठीक है। अब बेटा अब देखो, अब इसी में बेटा दूसरे वाला अगर आ जाए कि मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या नेगेटिव माइनस वाली आ गई, एक प्लस वाली आ गई, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, माइनस पांच बटा सात प्लस आपका नंबर क्या था, तीन बटा दो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगी, पहले तो दो रूल याद रखने हैं आपको, याद है सभी बच्चों को जब हमने पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांकों पर याद है गुना करना सीखा था, गुना करना सीखा था, तब क्या पढ़ा था हमने कि अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर है उसकी गुना मैं प्लस के नंबर से करती हूँ तो मुझे प्लस का ही नंबर मिलता है, माइनस की गुना माइनस से करती हूँ तो बेटा माइनस प्लस का ही नंबर मिलता है, अगर मैं एक माइनस के एक नंबर की गुना प्लस के नंबर से करती हूँ मुझे माइनस साइन मिलता है, और एक प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो बेटा मुझे माइनस का साइन मिलता है। क्या ये सभी बच्चों को याद है, गुना के साइन वाले याद है, ठीक है। और सेम बेटा मैम गुणा वाले, हेलो, हाँ बच्चे, गुणा वाले साइन, हाँ बेटे, जब हमने पूर्णांकों पर ही गुना करना सीखा था, माइनस दो की गुना तीन से करी थी, माइनस छह आएगा, है ना, हाँ, तो मुझे वही है, वही लिखे हैं बेटा मैंने, वही साइन चेंज कैसे होते हैं वही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब याद करो मैंने जोड़ और घटाव बताया था बच्चों, जोड़ और घटाव, है ना, जब हमने ये पढ़ा था पूर्णांकों का ही, तो हमने क्या देखा था कि अगर एक जैसे साइन वाले नंबर हो, मैंने एग्जांपल दे के भी बताया था, माइनस पांच माइनस सात, है ना, प्लस पांच प्लस सात, अगर एक जैसे साइन के नंबर हो तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, बारह आ जाएगा, बारह आ जाएगा, और जो जैसा साइन है वही साइन आ जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस का साइन, प्लस प्लस है तो प्लस का साइन, याद आया। और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर अलग अलग साइन है, ठीक है, मान लो एक प्लस का है एक माइनस का है, है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है जैसे सात बड़ा नंबर है ना, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस दो, सात का प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये कब करते हैं, जब घटाना और जोड़ना होता है, यस। क्या मेरी बात याद है, अगर याद है तो यस लिखो सभी बच्चे, नहीं याद है तो बेटा कॉपी में साइड में अभी लिख लो, क्योंकि जब अभी हम ये करेंगे ना परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब का इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों रूल आपके यूज होंगे, ठीक है। सभी बच्चे लिखो, कॉपी में लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कॉपी में लिखो, ठीक है। सो अब देखते हैं बेटा कैसे करेंगे हम, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे। मान लो बेटा मैंने वही सिंपल, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, हमने एलसीएम लिया, 14 आ गया, ठीक है, तो सात के टेबल में, सात के पहाड़े में 14 कब आता है, दो पे आता है, दो इधर, गुना में ऊपर कितना है बेटा, माइनस पांच, तो मैंने यहाँ माइनस पांच लिख लिया, ठीक है। अब प्लस का निशान लगाया, अब दो के पहाड़े में 14 कब आता है, सात पे आता है, और गुना में ऊपर तीन है नॉर्मल, तो मैंने गुना में लिख लिया। अब देखो, अब बात आती है कि मैम यहाँ तक तो नॉर्मल था, जैसे एक भिन्न की भिन्न से गुना करते हैं, अब यहाँ पर एक जब मैं दो के गुना पांच से कर रही हूँ बेटा, कितना मिलेगा मुझे, पांच दुनी दस। अब साइन क्या आएगा बच्चे, देखो ध्यान से देखो, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, एक प्लस का हो और एक माइनस की गुना करते हैं तो माइनस का साइन लगता है, तो बेटा माइनस का साइन आ जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, बट लेकिन टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस साइन। अब बीच में आप प्लस का साइन है, प्लस का लगाया, अब यहाँ पर तो दोनों प्लस के ही है, तो सात
दिया 21, सिंपल 21 आ गया, बटे में 14। अब देखो यहाँ तक था गुना का रूल, गुना का रूल खत्म हो गया। अब आगे जोड़ और घटा पे, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो अलग अलग साइन होंगे तो घटाएंगे, तो मैंने घटा दिया, 21 में से 10 गए 11। नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है ना, तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो और नीचे जो 14 आएगा 14 का 14, तो 11/14 हमारा आंसर आया। समझ आया सभी को, समझ आया बेटा? मैम फिर समझा दो, फिर से बता दूंगी, बाकी बच्चों बता दो एक बार, समझ आया क्या बेटा? अगर ये बात समझ आ गई ना तो सेम सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? देखो मैं एक बार, मैम आवाज नहीं आ रही, मैं एक बार और बता देती हूँ और उसके बाद ना एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप लोग करके देखना, और बेटा ये ना साइड में लिख लेना रूल्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो आप लोगों से, ठीक है? चल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ। क्वेश्चन है बेटा -8/3 + 13/5, ठीक है, मुझे इसे करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगी, पहले पांच और तीन का हम एलसीएम लेंगे। बेटा प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज, मैं सबके डाउट ले, अगर डाउट है ना मैं लूंगी डाउट, पर वैसे मत ऑन करो क्योंकि फिर बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है ना, गलती से हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ बोलो, यस 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 बोलो, एस के की आईडी से, यस बच्चा बोलो, कुछ कहना है? नो मैम, ठीक है ठीक, चल तो मैंने बेटा 3 और 5 इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा, 15 आएगा, सबको पता है ना, 3 के पहाड़े से जाएगा 3 = 3, 5 एज इट इज, 5 के पहाड़े से जाएगा 3 के गुना 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 × 5 = 15, 5 यहाँ गुना में ऊपर बेटा कितना है, -8, ठीक है? अब प्लस किया माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लो ताकि गलती ना हो। फिर 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे, गुना में ऊपर कितना बेटा, 13, तो मैंने 13 लिख लिया, ठीक है? अब नॉर्मल गुना कर दो, 8 के 5 से करी 8 = 40, और एक प्लस का गुना, जब मैं प्लस के गुना माइनस के नंबर से करती हूँ तो मुझे साइन कौन सा मिलता है बेटा, माइनस का, तो मैंने -40 लिख दिया, ठीक है? -40 प्लस का निशान, दोनों प्लस के नंबर है तो यहाँ से कितना दिया, 39, ठीक है, बटे में 15। अब एक अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, मतलब साइन अलग अलग हो, क्या करते हैं हम, घटाते हैं, तो मैंने घटा दिया 40 में से 39 गए 1। अब दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है, 40 माइनस का है, तो मैंने -1 बटे में 15 का 15, सिंपल है ना, इजी है ना, इजी, यस और नो, यस और नो बेटा, रूल साइड में लिख लेना वरना कंफ्यूजन अभी आपको होगी, है ना? रूल सभी बच्चे लिख लेना बेटा प्लीज, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ आया है? चलो फिर आप कुछ लोग रूल्स ये वाले ही फॉलो होंगे, जब गुना करना है तब ये रूल्स फॉलो करोगे, देखोगे प्लस का है माइनस का है, माइनस का है माइनस का है, और जोड़ और घटा आपके लिए एक जैसे साइन वाले है तो जोड़ दो, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, अलग अलग साइन है तो घटा दो, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, वेरी सिंपल, ठीक है? चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, पहले कॉपियां दिखाएंगे सभी बच्चे, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा आपके पास है 21/-21/2, ठीक है, इसको जोड़ना है 1/3 से। चलो सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे कर दो, पहले कॉपी में करो आराम से, फिर मुझे पोल में कॉपी में करने के बाद ना चैट में आंसर दे देना, फिर नोटबुक दिखा देना। ठीक है,
मेरे एक बच्चे ने दिखाने भी लगा, एक मिनट बेटा एक मिनट, हाँ अभी मैं जब तक नाम ना लू बंद मत करना कोई भी मेरा बच्चा। हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, ठीक है। और बच्चे कर लो बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ आराम से करो, अपना टाइम लेके करो, है ना। दिखाओ वेरी गुड भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। और मेरे बच्चे अच्छा, करते हुए किसी को अभी भी डाउट आ रहा हो ना कि प्लस माइनस कैसे लिख रहे हैं या कैसे लिख रहे हैं, मुझे बता देना ठीक है, और साइड में रूल लिख लेना बच्चों। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, मोहित राजपूत बेटा थोड़ा हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखा दो जरा कॉपियां। बेटा मैं मानूंगी नहीं जब तक कॉपियां नहीं दिखाओगे, मतलब मैं अगर आप चैट सेक्शन में आंसर देके सोच रहे हो कि मैम मान जाएगी, नहीं पहले कॉपियां दिखाओ। बाकी बच्चे भी दिखा दो जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी, फिर क्वेश्चन भी है पूछने के लिए। मुनीश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, केशव की आईडी से वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आंसर में थोड़ा गड़बड़ है आपके, थोड़ा सा फर्क है केशव की आईडी से बच्चे, बेटा थोड़ा आंसर में गड़बड़ है, अभी देखते हैं। और मेरे बाकी बच्चे, बाकी बच्चे कोई बात नहीं बेटा, गलत भी दिखा रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। एसके केरा की आईडी से बेटा कैसे 65, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आप लोग मुझे बताना आप लोगों ने कहां गलतियां की है, ठीक है। देखो बेटा सिंपल है, मैंने दो और तीन का एलसीएम लिया, मुझे पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार वाले नंबरों का मैंने हमेशा आपको बताया डायरेक्ट गुना हो जाती है। बाकी पायल की आईडी से वेरी गुड बेटा, एसके केरा बेटा ऐड नहीं होंगे, -63 आएगा, 63 माइनस में आएगा एसके खेरा की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। पायल की आईडी से वेरी गुड बेटा, कर लो बंद, ठीक है। तो मैंने दो के भाड़े से किया, दो आ गया एक पे, तीन का तीन, तीन के भाड़े से किया, दो के गुना तीन से करी, छह आ गया एलसीएम, छह आ गया, ठीक है। अब मैंने एलसीएम यहाँ लिख दिया छह, अब दो के भाड़े में छह कब आता है, तीन पे आता है, गुना में बेटा क्या -21 है, तो मैंने यहाँ -21 लिखूंगी, है ना। प्लस में तीन के पहाड़े में छह कब आता है, दो पे आता है, गुना में ऊपर कितना एक है, तो मैं एक यहाँ लिखूंगी। अब देखो जब तीन के गुना 21 से करी कितना आएगा आपके पास 63, लेकिन एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का है, हमने देखा एक जब हम प्लस के गुना माइनस के नंबर से करते हैं हमें क्या नंबर मिलता है, गुना करने के बाद साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है बेटा, याद तो अभी मैंने देखो रूल लिखवाए थे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्लस की गुना माइनस की गुना जब प्लस से करते हैं, प्लस की गुना माइनस से करते हैं माइनस का साइन आता है, तो मेरा -63 आ गया, ठीक है। प्लस बीच में प्लस का साइन है, फिर दो एकम दो, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का दो ही आएगा, बटे में बेटा छह आ गया। अब देखो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, जोड़ और घटाव का, एक दोनों अलग अलग नंबर होते, दोनों अलग अलग साइन वाले नंबर होते तो क्या होता है, मैंने आपको बताया है ना, जब दोनों अलग अलग साइन के नंबर होते हैं, मतलब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम घटाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ घटा दिया, 63 में से 2 गए 61 आया, और नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, 63 बड़ा है, ठीक है। 63 का साइन क्या है, माइनस का, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, बटे में 6। अब ये आगे कट सकता है क्या किसी नंबर से, नहीं ये नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या मेरे जितने दो तीन बच्चों ने जो गलत किया था आप समझ आया है सभी को, यस और नो में बेटा आंसर दो, तभी मैं क्वेश्चन आप पोल में पूछूंगी। मैं बच्चे मेरे बता, क्या बेटा मैम फिर से बता दो बेटा, एक तो आप क्लास टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपने 20 मिनट लेट ज्वाइन क्यों किया, 15 मिनट जब मैं रूल्स पढ़ा रही थी। हाँ बेटा मैम वो दवाई लेने चली गई थी डॉक्टर की। बेटा प्लीज कोशिश किया करो, सभी बच्चे हम हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें, ठीक है। सो बेटा सिंपल है, हमने अभी क्या देखा, हमने देखे हैं जो हमने पूर्णांकों के गुना भाग सीखे थे ना, जमा घटा गुना भाग, बस वही रूल यहाँ पर आपके फॉलो होंगे, ठीक है। ये रूल साइड में कॉपी में लिख लो, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये याद भी हो जाएंगे,
ठीक है, सो इसलिए सब याद भी कर लो इनको, ठीक है। यस ठीक है, सो सिंपल था बेटा, मैंने आपको क्या बताया देख लो दोबारा से, माइनस 21/2 है, ठीक है। सिंपल जैसे हम एलसीएम लेते हैं, हमने कैल्सियम लिया, उसके बाद जब माइनस का साइन था तो मैंने देखा माइनस की गुना एक प्लस से करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और फिर हमने जोड़ वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि अगर एक जैसे साइन होते हैं माइनस माइनस या प्लस प्लस तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन होते तो घटा देते और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते, और बट्टे में जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। फिर रिजल्ट आने के बाद आप एक बार जरूर देखोगे कि वो कट तो नहीं रहा, जैसे मैंने हमेशा बताया है ना, कोई मान लो 22/2 है तो ये कट रहा है 11, है ना। अगर कोई नंबर से एक ही जैसे टेबल से कट रहा होता है तो हम काट भी देते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है पूजा की आईडी से बेटा, अभी भी डाउट है तो बताओ। यस मैम। ठीक है, अगर अभी भी बेटा डाउट है ना, क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना, मैं आपको दोबारा से बता दूं, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका आंसर दो। 9/4 सिंपल है ये तो, 14/20 ठीक है, इसका एलसीएम लेना है और इसको दोनों को जोड़ना है, दोनों नॉर्मल वाली है तो, है ना, भिन्न की भिन्न से जो जोड़ होता है वही वाला है, यहाँ पर कुछ प्लस माइनस का वो नहीं है, नॉर्मल करना है आपको, ठीक है। 4 और 20 का पहले एलसीएम लो, फिर आगे नॉर्मली सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो जल्दी से करो, यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, है ना। पहले कॉपी में करेंगे बेटा, फिर पोल में करना, ठीक है। पहले नॉर्मली कॉपी में कर लो सभी बच्चे, फिर पोल में करना। चलिए सभी बच्चे करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। एक भिन्न की भिन्न से जोड़ आपको पता है ना कैसी होती थी, बस वही है। आराम से पहले 4 और 20 का एलसीएम लो, आप सभी को पता है 4 और 20 का एलसीएम क्या होगा, है ना, कि अगर कोई भी नंबर है उसके पहाड़े में दूसरा नंबर बड़ा नंबर आ रहा है तो जो बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम हो जाता है। वैसे अलग नॉर्मली एलसीएम भी ले सकते हो, नॉर्मली एलसीएम भी निकाल लो 4 और 20 का। वेरी गुड, आराम से बेटा, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही है। आंसर अपनी कॉपी में आराम से करो और फिर पोल में आंसर करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे हमारे, है ना, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं बेटा। आंसर हर एक बच्चे को करना है, सबको पता है आंसर करना है, है ना, सही बच्चे करेंगे। हम रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। हाँ बेटा करो आराम से करो, मैं बस ये बोल रही हूँ सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, करो आराम से। बेटा म्यूट
म्यूट कर लो, म्यूट कर। वेरी गुड। मैम सर ने कह देना, मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। ठीक है बेटा, इतनी देर से क्यों किया आपने? मैम मैं कहीं गया उड़ा था। अच्छा बच्चों, प्लीज आप लोगों को पहले ही पता होता है सभी बच्चों के लिए ये कि आपकी क्लास कब है। तो हफ्ते में 3 ही दिन तो बेटा हम मिलते हैं बच्चों, तो प्लीज कोशिश क्या करो टाइम से ज्वाइन करें, है ना। और 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो आप लोग। कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी है आप लोग नहीं आ पाए वो एक अलग बात है। अच्छा सभी बच्चे करेंगे, मेरे अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। प्लीज बच्चों पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको माइनस वाला जो अभी मैंने सिखाया है वैसे दूंगी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कर दो। वेरी गुड बेटा, देखो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। पहले 4 और 20 का एलसीएम लो, फिर देखो। वेरी गुड, टाइम चाहिए और तो मुझे बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से कीजिए, आप पहले 4 और 20 का एलसीएम लीजिए बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चे बचे हुए जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, आपको पता है ना हमारी क्लास का रूल क्या है, आंसर सही गलत हम बाद में देखते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चल वेरी सिंपल, आपको पता है 4 और 20 का हमें क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा अभी मैं बताती हूँ, जब मैं बाद में बोल पूछूंगी ना तब आप बताना, ठीक है। वेरी गुड बेटा, आपने इनिशिएट लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो 2 के पहाड़े से हम करेंगे, 2 दुनी 4, फिर 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 20 10 पे आता है। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 गुना 2 गुना 5 कितना आ गया बेटा एलसीएम, 20 आ गया। और मैंने आपको वैसे भी बताया है कि अगर एक नंबर के पहाड़े में दूसरा नंबर अगर आ रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा, 9 है, मैंने 9 लिख दिया, प्लस में 20 के पहाड़े में 20 एक पे आएगा, या 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आएगा, गुना में ऊपर 14 है, मैंने 14 लिख दिया, ठीक है। अब 5 ने 45 प्लस 14 बटे 20 कितना आ गया बेटा, 59 बटे 20, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी मेरे दो बच्चों ने ये आंसर लिखा है, कैसे भाई बता सकते हो क्या? हाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन मेरे 1-2 बच्चों ने फिर भी लिखा है। अभी भी बता दो बेटा, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है योग करने में, जोड़ने में दो परिमेय संख्याओं को, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है, यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी सभी से, ठीक है। ठीक है वेरी गुड, ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपके पास है -15 बटे 14, ठीक है, इसको जोड़ना है 11 बटे 4 से। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, -15 है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर गुना वाले जो रूल्स है ना वो भी लगेंगे,
है ना, और जोड़ और घटाव वाला जो मैंने बताया था वो भी लगेगा, ठीक है। चलो पहले आराम से कॉपी में कर लेना, जैसे अभी आपने मुझे करके दिखाया था ना कॉपी में, वैसे ही होगा ये भी, ठीक है। गुणा में प्लस की गुना प्लस से करते हो तो प्लस आता है, माइनस की गुना माइनस से तो प्लस आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हो तो माइनस, प्लस की गुना माइनस से करते हो तो माइनस। ये चार रूल्स यहाँ पर यूज होते हैं, इनमें जो भी अप्लाई हो रहा होगा देख लेना। और मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों नंबर माइनस माइनस के या प्लस प्लस के होते हैं तो हम जोड़ते हैं, 12 आ जाएगा, और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, सिंपल। और दोनों साइन अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो हम घटा देते हैं और बड़े वाला जो नंबर होता है उसका साइन आ जाता है, ठीक है। चलो पहले कॉपी में करो सभी बच्चे, उसके बाद बेटा पोल में करो। ये सारे रूल्स किसके हैं, पूर्णांकों के रूल्स हैं, ठीक है। तो आराम से पहले कॉपी में करो। आपने पोल ऑन नहीं किया? हाँ बेटा, वो मैंने टाइम दिया था ना आपको कॉपी में करने का, इसलिए नहीं किया था, अभी कर दिया है, अब आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा आराम से करना, पहले आराम से कॉपी में कर लो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, उसके बाद जाके पोल में करना, ठीक है। 14 और 7 का पहले एलसीएम लो, नॉर्मल जैसे हम एलसीएम लेके करते हैं वो करो, फिर प्लस माइनस पे जाना। बेटा ध्यान से आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो, ठीक है। अभी हमने देखा था और काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, तो आराम से करो, अभी जल्दबाजी नहीं, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। चौदह और सात का एलसीएम सबको पता है क्या आएगा, है ना, वो एलसीएम लिखो, फिर जो आएगा उसके बाद गुना करो ऊपर, फिर गुना में देखो कौन से साइन आएगा, फिर जोड़ और घटाव होगा वो देखो, फिर बड़े वाले नंबर का साइन लगता है, ठीक है। प्रॉपर एक प्रोसेस जो है हमारा, उससे आप चलो, गलती नहीं होगी। बच्चे प्लीज जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, है ना। -15/14 में जोड़ना है 11/7, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से बेटा पहले कॉपी में कर लो, है ना, उसके बाद पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, जितने हमारी क्लास में ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा ध्यान से कीजिए, आप सभी को पता है ना 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, फिर उसके बाद देख लो ऊपर प्लस माइनस आ रहा है या दोनों एक जैसे साइन वाले आते हैं तो जोड़ना है, अलग अलग साइन के तो घटाना होता है ना, और बड़े वाले नंबर का साइन आता है, ध्यान से देखो करते हुए। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, है ना। आप सभी को पता है 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, है ना, आपको पता 7 के पहाड़े में 14 होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका एलसीएम आ जाता है, उसके बाद आप देखो 14 के टेबल में 14 को 14 से भाग करेंगे क्या आएगा, 7 को 14 से भाग करेंगे क्या आएगा, और ऊपर वाले नंबर से गुना कर दो, फिर देखो प्लस की गुना माइनस से हो रही है, माइनस की गुना प्लस से हो रही है, वो साइन डिसाइड हो जाएगा, फिर देखो दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं या एक प्लस एक माइनस का है, तो हमने रूल देखा हुआ है दोनों एक जैसे साइन के होते हैं तो आप जोड़ते हो, अलग अलग साइन होते हैं तो आप घटाते हो, और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा ध्यान से करो, काफी बच्चे गलत कर रहे हो आप,
अभी तो आप लोगों ने मुझे कॉपी में तो सही करके दिखाया था, पोल में बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। रूल्स को साइड में लिख लो और उन रूल्स को फॉलो करो बेटा। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, सभी कर देंगे। वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो दो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो आप भी, और अगर और टाइम चाहिए हो तो बेटा बता देना। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मेरे ना इसमें इस क्वेश्चन में मेरे बहुत बच्चों ने ना मिक्स आंसर किया है, ठीक है? तो हम पहले ना सब बच्चे ना मुझे अपनी कॉपियां दिखा दो, क्या किया है आप लोगों ने, मेरे को समझ आना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है? आप लोग अपनी अपनी कॉपियां ऑन कर दिखा दो, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या आप लोगों ने किया मुझे पता लगना चाहिए, ठीक है? एक एक बच्चे का मैं नाम लेती जाऊंगी, वो बच्चा बेटा बंद करते जाना, ठीक है? बेटा आंसर नहीं दिख रहा मुझे, क्या आया है आपका? अच्छा ठीक है, हंसराज जोया की आईडी से बेटा बंद कर लो। ठीक है, मोहित की आईडी से बेटा, ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे, पर्वत दलाल की आईडी से बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। दिनेश कुमार के आईडी से, वेरी गुड बेटा। मुनेश के आईडी से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखा दो बेटा, जो आंसर आपने किया मुझे वो दिखाओ, ताकि मुझे समझ आए आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। और केशव की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और इसके बाद मुझे मैम समझ में नहीं आया मैं क्या, ठीक है। और बेटा पास करो, दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है? तो बेटा अभी लोग मुझे जो कॉपियां दिखा रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा बच्चों ने ठीक कर रखा है, लेकिन पोल में गलत कर रखा है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? चलो देख लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया, 14 के पहाड़े में 14 कब आता है, 1 पे, या 14 को 14 से भाग करो 1 आएगा। गुना में ऊपर कितना है, -15, मैंने -15 लिख दिया। 7 के पहाड़े में 14 कब आता है, या 7 को 14 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर कितना है बेटा, 11, ठीक है? अब मैंने देखा 15 एकम 15, साइन कौन सा आएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का है, 1 प्लस का 1 माइनस का, मतलब प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो -15 हो गया। अब इधर कितना है, प्लस, और 11 की गुना 2 से करी 22 आ गया, ठीक है? दोनों प्लस के थे, बट्टे में 14। अब देखो यहाँ पर है आपकी प्रॉब्लम, बहुत बच्चों ने क्या किया, जोड़ दिया है, ठीक है बेटा? जबकि यहाँ पर देखो, एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का है, और मैंने आपको अभी बताया अगर मेरे अलग अलग साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है? तो मैंने जब मैंने इसको घटाया, ठीक है, 22 में से 15 घटाया, मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और नंबर कौन सा बड़ा है, 22 बड़ा है, तो प्लस का साइन आएगा, बट्टे में 14। अब मुझे पता है 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है मैम, फिर से समझाना बेटा। देखो -15 बटे 14 है, इसको जोड़ना है 11 बटे 7, ठीक है? मैंने एलसीएम लिया, 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14, ठीक है? 14 के पहाड़े में 14 एक पे आता है, गुना में ऊपर -15, ऊपर 7 एक 7 दूनी 14,
गुना ग्यारह। अब देखो पंद्रह एकम पंद्रह की गुना एक से करेंगे तो पंद्रह एकम पंद्रह। अब एक प्लस का एक माइनस का होता है, जब माइनस प्लस की गुना माइनस से करते तो बेटा कौन सा साइन आता है, माइनस। जब हमने पूर्णांक पढ़े थे तब भी मैंने रूल बताए थे और अभी भी मैंने रूल बताए, तो माइनस पंद्रह आ गया प्लस में बाईस बटे में चौदह। अब बताओ एक प्लस का एक माइनस का दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम घटाते हैं, है ना। हाँ तो बाईस में से पंद्रह गए सात आ गया, और नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, पंद्रह और सात में से बारह, पंद्रह और बाईस में से बाईस बड़ा है, तो बाईस पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का ही साइन आएगा, बटे में चौदह। ठीक है तो सात एकम सात, सात दुनी चौदह, ये और कट सकता था इसलिए सात एकम सात, सात दुनी चौदह। क्या मेरी बात बच्चों अब समझ आई है सभी को, यस और नो में आंसर करिए। इसीलिए बेटा मैंने जब पूर्णांक भी पढ़ाए थे ना तभी आपको कहता है रूल्स याद कर लो, है ना। अभी भी बेटा आपको याद नहीं है ना तो साइड में लिख लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो वहां से देख के कर लिया करो, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको याद होते चले जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब हम क्या देखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन। वैसे हमने अभी देख ही लिया है कैसे होगी, है ना, उसमें पूर्णांक कैसे यूज हो रहे हैं, बट फिर भी हम थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और पूछ लो बेटा, पूछूंगी बेटा और पूछूंगी, कुछ क्वेश्चन और करा लो ना, मुझे भी कॉन्फिडेंट आ जाए, वरना आप पोल में आंसर गलत कर रहे थे बच्चे, है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्वेश्चन, जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना फिर मैं और पूछू। तेरह बटे चार सात में से मुझे सात बटे तीन घटाना है, तो जैसे हमने भिन्न को भिन्न से घटाया था सेम वैसे ही है, है ना। चार और तीन का एलसीएम कितना आएगा बता दो जरा चैट सेक्शन में, चार और तीन का एलसीएम कितना होगा, दो से जाएगा, दो दुनी चार, तीन का तीन बारह, है ना, फिर दो से जाएगा एक तीन, फिर आपका तीन से चला जाएगा, है ना, तो कितना आ गया बारह। और वैसे भी मैंने आपको बताया जब भी लगातार वाले नंबर होते हैं तो उनको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो वही उसका एलसीएम होता है। चार के बारे में बारह कब आता है, तीन पर, गुना में ऊपर तेरह है, माइनस तीन के पहाड़े में बारह कब आता है, चार पे ऊपर है सात। चलो अब तेरह तीन उनतालीस माइनस चार चौक अट्ठाईस, चार सत्ते अट्ठाईस बटे में बारह, सिंपल है अब तो, है ना। उनतालीस में से अट्ठाईस गए, उनतालीस में से अट्ठाईस गए कितना आएगा ग्यारह, बटे में बारह, क्या आगे ये कट सकता है, नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। एक भिन्न की भिन्न से जैसे घटाया था वही घटाव है, क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। चलो फिर एक नंबर मुझे जरा कॉपी में घटा के दिखाओ जरा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 22 बटा 3 में से घटाना है 1 बटा 5। चलो घटाओ और कॉपियां दिखा दो मुझे जरा, क्या किया है आपने, ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे बेटा चैट सेक्शन में भी अपने आंसर लिख देना, आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, हंसराज जो है कि आईडी से जो बच्चे है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी दिखा दो जरा, पर्वत दलाल के आईडी से, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे
मुनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। पर माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस का साइन है ना, आपने प्लस क्यों लिख दिया? क्वेश्चन में माइनस का साइन है। मुनेश कुमार की आईडी से जो बच्चा बेटा ठीक करो। यस, बाकी दूसरे बच्चे ने ठीक है, वेरी गुड। दिनेश कुमार की आईडी से, और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बेटा देखो डाउट है ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। देखो तीन और पांच का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? पांच तीन के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 × 5 = 15। गुना में ऊपर 22 है, माइनस में पांच के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे गुना में 1 है ना, माइनस का साइन है बेटा बीच में, तो माइनस की। अब 22 से जब हम गुना करेंगे मुझे कितना मिलेगा? 22 से मैं यहाँ पर गुना करके देख लेती हूँ, 5 × 10 = 10 = 11, 110 - 5, ठीक है? नहीं, मैंने गलत किया है, 5 के पहाड़े में 15 जो आता है फिर 3 पे आता है, ठीक है? गुना में 1, ठीक है? तो 3 आएगा। जब हमने अब क्या है मेरा, 110 में से 3 गए, 107/15। क्या ये आगे कट सकता है किसी नंबर से? नहीं। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कोई मेरा एक बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट है, यस और नो में आंसर कर दो, अगर है तो हम कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? तो बेटा हमें ध्यान कहाँ रखना होता है? साइन पर, ऊपर क्या साइन है। चलो फिर एक क्वेश्चन आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे आप पोल में, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको 14/5 में से 11/3 को घटाना है, ठीक है? चल सभी बच्चे करेंगे, 14/5 में से 11/3 को घटाना है, पहले कॉपी में करना उसके बाद पोल में जाना, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करो फिर पोल। आराम से बेटा कॉपी में कर लेना पहले, उसके बाद पोल में करना। ध्यान से बेटा, नहीं प्लीज सभी बच्चे बेटा जल्दबाजी नहीं, आराम से पहले कॉपी में कर लो। आप लोग कॉपी में दिखाते हो तो सही दिखाते हो, पोल में आंसर गलत क्यों कर देते हो? बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है वो लिखिए, फिर उसके बाद गुना कीजिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा मैं रुकी हुई हूँ, कर लीजिए आप आराम से। वेरी गुड बेटा, और भी बच्चे जो बचे हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, ठीक है?
पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। क्या अभी भी कोई बच्चा कर रहा है ऐसा, रुका है? चलो बहुत बढ़िया, बोर्ड पोल को करते हैं बंद। बेटा इसमें भी मेरे आप लोग कॉपियां दिखा दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा, क्योंकि बहुत आंसर आप लोग मिक्स कर रहे हैं। दिखाइए जरा कॉपियां, दिखा दीजिए बच्चों जरा अपनी अपनी कॉपियां, नोटबुक्स को देख लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है, सो बेटा एक बार यहाँ पर आपके कितना आया, 14 + 42 = 42 है ना? तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, मुझे यही गड़बड़ लगी आप लोगों के में। बेटा माइनस का 55 है, बड़ा नंबर तो माइनस का है ना, यही आंसर गड़बड़ करी हुई है, करा हुआ है यहाँ पर बच्चों ने। यस ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने अभी साइंस के बारे में सभी को बताया था, वो चीज ध्यान रखनी थी आप लोगों को। ठीक है, जोया हंसराज, जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका। दिनेश कुमार बेटा माइनस का साइन आएगा। पर्वत दल के आईडी से वेरी गुड बेटा, सही किया हुआ है आपने भी। ठीक है, मुझे समझ आ गया बेटा आप लोगों को कहाँ पर गलती करी है आप लोगों ने। देखो जब आपने एलसीएम लिया ना, 15 आया, ठीक है, 5 + 15, ठीक है, गुना में 14, माइनस में बेटा 5 × 3 की गुना, 3 के पहाड़े में 15 किस पे आता, 5 पे, गुना में 11। तो जब आपने इसको गुना किया तो यहाँ पर कितना आया, 42 माइनस 55 बटे में 15। आपने घटाया तो सही कि घटा दिया, म्यूट कीजिए दीपेश, दिनेश की आईडी से बेटा म्यूट करो। यस मैम। नहीं आप नहीं बेटा, दूसरा दीपेश की आईडी, दीपेश नहीं, दीपेश बेटा म्यूट करो। हाँ सो अब देखो आपने क्या किया, घटाया तो सही, आपने घटा दिया, आपके पता लग गया आपको 13 आएगा, लेकिन आप ये देखो ना दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 55 ना, 55 का साइन माइनस का है, तो माइनस का आएगा, माइनस का 13/5। ठीक है, तो हमें साइन भी देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसका साइन आता है। ठीक है, एक क्योंकि देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, ये प्लस का था, ये माइनस, तो प्लस माइनस तो आपको सभी को पता है घटाव ही होता है ना, मैंने अभी रूल्स भी लिखाए थे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। सो बेटा देखो आप लोगों को ना परिमेय संख्याओं में साइन भी ध्यान रखना है, जब करना आपको सेम ही है, एलसीएम लेना है, भाग करके देखना है, गुना करना है, साथ में बस साइन भी ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। क्या अब मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो? हम एक क्वेश्चन और पूछ लो। ओके वेरी गुड, ठीक है बच्चे। सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी ले लेते हैं अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो, और होमवर्क। ठीक है।